छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले युवा मतदाताओं को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा विधायक विधानसभा चुनाव के लिए नवा मतदाता संपर्क अभियान कार्यक्रम उनके द्वारा तेज कर दिया गया। आखिर सियासी दल के युवाओं को साधने के लिए क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 4 लाख से ज्यादा नए युवा मतदाता पहली बार वोट करेंगे। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में युवा वोटरों की संख्या 40,96,000 है, जो प्रदेश के कुल मतदाताओं के हिसाब से 23% है। इसमें 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की संख्या 4,10,000 है। जाहिर है कि युवा वोटरों का इस विधानसभा चुनाव में अहम रोल रहेगा। ऐसे में सत्ताधारी दल कांग्रेस के अलावा भाजपा ने भी चुनाव के पहले युवा वोटर्स को साधने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नवा मतदाता अभियान के जरिए फर्स्ट टाइम वोटर्स से संपर्क साध रही है। कॉलेजों, हॉस्टल से लेकर बूथ स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। कार्यकर्ता नए मतदाताओं को पीएम मोदी के कार्यों को बता रहे हैं। 15 सालों तक प्रदेश में भाजपा सरकार ने जो विकास के कार्य किए उसके बारे में भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं को बीजेपी की विचारधारा बताई जा रही है। देखिए, अभी के जो वर्तमान में जिन युवाओं ने छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष अपना आयु पार किया है, वो अपने जीवन का पहला मतदान करने के लिए इस 2023 के चुनाव में जाने वाले हैं। ऐसे नव मतदाताओं से लगातार भाजपा के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार संपर्क कर रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के उल्लेखनीय कार्य बता रहे हैं, विकास के कार्य बता रहे हैं। लगभग प्रत्येक विधानसभा में नव मतदाता सम्मेलन भी करने जा रहे हैं ताकि वो भाजपा के विचारधारा से जुड़े और आने वाले समय में उन्हीं युवाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में और नए मतदाता जो शामिल हुए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, उसका जो वृहद विजन है भारत को आगे बढ़ाने का, भारत को सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनाने का, जगत गुरु बनाने का, उस विजन को लेकर जाना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और समाज के परिवर्तन के लिए, भारत को सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए किस तरह से प्रयास कर रही है, उसको उनके बीच में लेकर जाना। और NSUI भी माई फर्स्ट वोट फॉर कका कार्यक्रम के जरिए 4 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं तक पहुंच रही है। इसके अलावा भूपेश है तो भरोसा है अभियान चलाकर युवाओं से संपर्क साधा जा रहा है। वही सीएम भूपेश खुद युवाओं से भेंट मुलाकात के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। इधर भाजपा युवा मोर्चा हर विधानसभा में 31 अगस्त तक नवा मतदाता सम्मेलन का आयोजन करेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि युवा वोटर किसके साथ जाते हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।